अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज टाइम है ईद का, और ईद के दिन का जो ये व्लॉग है ये मैंने शुरू किया था सुबह सुबह के टाइम से, जब अब्बू और तौसीफ नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। और माशाल्लाह देखें, ये दोनों अपने गए कुर्ते में कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो अब्बू और चचा लोग और मेरे सारे भाई लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और यहाँ पे जब नीचे आए तो देखा कि मम्मी और चची लोग नाश्ते की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही हैं, और हम लोग नाश्ते सुबह ईद का जब टाइम होता है या बकरीद का टाइम होता है तो हम लोग नाश्ता है, रात का खाना है, सब साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए पूरी तली जा रही थी, और छोले के साथ हम लोग को पूड़ी खाना था। छोला भी रेडी था, दही बड़ा भी रेडी था, और साथ में सेवई भी रेडी थी। पूड़ी तल रही थी लेकिन यहाँ पराठे वालों को सिर्फ पराठा ही चाहिए फ्रेंड्स। खा लिया यार। एंड इसमें ये तो छोला है, और फ्रेंड्स ये तो पूड़ी वाले आटे का पराठा है। ये पूड़ी वाले आटे का ही पराठा बता दिया है, सिंपल आटे का पराठा है। नहीं नहीं, ये देखिए इसमें, ये देखिए तवे। अच्छा, मेरे लिए क्या ये? मुझे क्या पता, थोड़ा सा खा लूंगा। मेरे लिए कल से डाइटिंग है पूरी गाइस। दादी ईद मुबारक। तुमको भी मुबारक हो। मेरे वाली तो हमने कल बात किया ना। दादी अभी अब तैयार नहीं हुई। अरे हम लोग काम में लगे। हाँ सही बात है, नाश्ता हो जाए। बूढ़ा हो गया कि तब तक तैयार कर लो। यहाँ चून डालने के लिए खाली परेशानी रहती है हमसे नहीं पर। इनके लोग हम अपना कुछ करेंगे तो। अब लग रहा दादी रानी को बोला नहीं खाली साड़ी चून दे रहे। अब लग रहा बुढ़ापा आ रहा है आपको। अरे आ गया बचपन बुढ़ापा से बुढ़ापा। दुख आओ तो डाला नहीं तो क्या डाला। दुख खा पाते ना, ये दुख थोड़ी है दादी। बुढ़ापा तो सबको आना है, किसी का नहीं फोटो है। यहाँ पे लास्ट में अब बस कबाब तला जा रहा है, और बाकी पूड़ी भी हो गई है और छोला भी रेडी है, बस ये लास्ट है। लग रहा है एकदम हलवाई कबाब तल रहा है। एंड फ्रेंड्स, ये मुर्गे का कबाब है ना, चिकन का मुर्गे का है? वही बात हुई। ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स सब लोग नमाज पढ़ के आ गए थे। चचा लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग नमाज पढ़ के आ गए थे। तो हम लोग ने बोला कि अच्छा आप लोग गले मिलिए ना तो हम वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे गले मिलना लग रहा था कॉमेडी हो गई है, मतलब सब लोग ऐसे वीडियो के लिए गले मिल रहे थे ना, हंसी भी इतनी आ रही थी लेकिन वीडियो शूट करनी थी। एंड देखिए सब मतलब एकदम जैसे उस टाइम पे ना इतनी कॉमेडी चल रही थी, सब बस फॉर्मेलिटी वाले गले मिल रहे थे क्योंकि सुबह तो सब लोग गले मिल ही चुके थे मिलते टाइम। एंड अभी देखिएगा यहाँ पे जो मेरे तीनों भाई हैं उनका गले मिलने का आप लोग स्टाइल देखिएगा, मतलब इतनी हंसी आ रही थी वीडियो देख के ना कि कैसे सब गले मिल रहे हैं। एंड देखें ये तीनों किस तरह से गले मिल रहे थे, मतलब सब एकदम मजाक इतना ज़्यादा चल रहा था ना कि हाँ वीडियो के लिए बस शूट करवाने के लिए सबको गले मिला रहे थे कि जल्दी जल्दी सब गले मिल लें, वरना ऐसे तो सुबह सब मिल ही चुके थे गले। एंड देखिए माशाल्लाह सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। ईद के दिन कुर्ता जब इंसान पहनता है तो इतना अच्छा लगता है ना जब सब लोग कुर्ता पहने रहते हैं, और सब लोग एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। एंड देखिए सबके कुर्ते बहुत अलग अलग हैं, सबके कुर्ते के डिज़ाइंस अलग हैं। हाँ बस तौसीफ़ का और पापा का कुर्ता मम्मी ने सेम बनवाया था इस बार शौक़ से कि दोनों लोग एक जैसा कुर्ता पहने। और देखिए माशाल्लाह, आप भी एक बार सबके लिए माशाल्लाह ज़रूर से बोल दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये सारी जो डिशेस हैं वो भी रेडी हो गई थी। सेवई है, दही बड़ा है, छोला है, कबाब है, और साथ में यहाँ माउथ फ्रेशनर भी ईद में रखा ही जाता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरा रूम अच्छे से एकदम क्लीन हो गया है और सेट कर दिया है मैंने इस रूम को। और ये अब्बू का ट्रॉली बैग यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि अब्बू आज सुबह ही आए हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईद के दिन ही आए हैं, वरना एक दो दिन आ जाते हैं पहले ही, एक दो रोज़े हम लोग के साथ रखते हैं। और देखिए ये रूम अच्छे से क्लीन हो गया है, फैंस मैंने दोनों क्लीन कर दिए थे इस रूम के और ये रूम बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। इसके अलावा ये देखिए, ये मेरा ये हॉल में भी अच्छे से डाइनिंग टेबल सेट हो गया है, फ्रिज क्लीन कर दी थी मम्मी ने और देखिए फ़ैन मैंने क्लीन कर दिया था, फिर यहाँ पे भी बहुत अच्छे से सब कुछ सेट हो गया है। और ये मेरा रूम, और देखिए सिम्बा, सिम्बा ये देखो, ईद मुबारक कर दो, ईद मुबारक सिम्बा, ईद मुबारक। एंड ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मिट्टू भी है, मिट्टू मिट्टू ईद मुबारक, ईद मुबारक मिट्टू मिट्टू। मम्मी बस हर वक्त मिट्टू को खिलाना पिलाना ही। और देखिए मम्मी के हाथ से ना इसने ग्रेप्स ले लिया, अगर अभी मैं देती तो ये सिर्फ मुझे काटने पे आता, हाथ से खाता कुछ नहीं मेरे। देखिए ईद मुबारक नहीं बोलना मिट्टू, ईद मुबारक नहीं बोलना मिट्टू। तो मैं आपको ये रूम दिखा रही थी ना, तो देखिए ये रूम भी क्लीन हो गया है अच्छे से, बट अब ये है कि हाँ ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं, इसको आप लोग मत देखिए। तो ये रूम में हम लोग अभी इसी रूम में सो रहे हैं रात में और इसी रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो थोड़ा सा ये रूम थोड़ा सा छोटा भी है उस रूम से, तो जितना भी साफ़ कर लो ना, सामान ज़्यादा होने की वजह से ये रूम थोड़ा सा भरा भरा लगता ही है। बाकी ये रूम भी अच्छे से क्लीन हो गया है, तो ऑल टोटल हमारा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैं आपको एक बार अपना लुक अच्छे से दिखा देती हूँ, तो ये सब भी क्लीन हो गया है अच्छे से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ बोल के शूट किया था बट पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ आ नहीं रही थी, तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ। ये मेरा फुल गाउन है या फिर आप इसको लॉन्ग फ्रॉक भी कह सकते हैं, और इसके बीच में बेल्ट थी, थोड़ा सा ढीला गाउन था, मतलब जो फैशन में ढीले गाउन चले हैं उस तरह था, और बीच में बेल्ट थी, साथ में ये स्कार्फ मैंने अलग से लिया था, इसके साथ नहीं था। और बहुत सिंपल सी ड्रेस थी क्योंकि मुझे बहुत हैवी नहीं लेना था, मेरे पास बहुत से हैवी ड्रेसेस थे। एंड मेकअप मैंने बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि घर में क्या मेकअप करना, इसीलिए मेकअप से मैं बहुत दूर भागती हूँ। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ईद वाले दिन का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और आज है ईद का डे टू और हम लोग जा रहे थे दादी के यहाँ, क्योंकि ईद वाले दिन हम लोग कहीं भी बाहर नहीं निकलते हैं, ज़्यादातर ईद के अगले दिन ही हम लोग घूमने फिरने निकलते हैं जहाँ भी जाना होता है। तो ये मेरे दादा की बहन है, छोटी बहन, और मेरी जो बीच वाली चची हैं, सबसे बड़ी मम्मी है, उसके बाद वाली जो चची हैं उनकी अम्मी भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी शादियाँ हुई हैं सब रिश्तेदारी में ही हुई है। एंड देखिए दादी के यहाँ जाती मुझे ये गेट पे प्यारी सी कैट मिली जो कि दादी की नहीं है, लेकिन पता नहीं उनके यहाँ आ गई है और उनके यहाँ से जा नहीं रही है, और ये प्रेग्नेंट थी, तो हो सकता है कि इसको ये जगह सेफ लगी हो या जो भी, और बहुत प्यारी सी थी, किसी की पालतू है या क्या है किसी को नहीं पता, ये बस आ गई थी और जा नहीं रही थी वहाँ से, तो यहाँ पर सब लोग इसकी केयर कर रहे थे, कोई फिर इसको कहाँ पर इसको क्या करते, तो घर में ही सब लोग इसको रख के केयर कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब नाश्ता लग गया है और नाश्ते में वही सब चीज़ें हैं जो ईद में हर जगह होती है, वही सेवई है, और ये शायद ये वाली चाट जो है ये मीठी वाली चाट है, और इसमें कड़वा वाला जो छोला होता है नॉर्मल छोला वो है, तो मीठी वाली जो चाट है मैंने खाई है, बहुत टेस्टी है। और ये है दही बड़ा, एंड ये गुलाब जामुन है जो कि चच्ची बनाई है और बहुत टेस्टी गुलाब जामुन है, ये भी मैंने खाई है अभी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। क्या पहनी है नान, क्या पहनी है, क्या पहनी है नान, कपड़ा आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, झा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी सारी खुली खुली जगह है ना दादी के घर के पास, तो देखिए यहाँ पे सबको बैट बॉल खेलने का शौक़ हो गया, तो सब लोग यहाँ पे
जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोग यहाँ पे बैट बॉल खेलने आ गए थे और अब्बू देखे यहाँ पे। अब्बू को भी टाइम नहीं मिलता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी जॉब ही ऐसी है, वो ज़्यादातर बाहर बाहर रहते हैं, तो जब भी बच्चों के साथ उनको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है वो भी पीछे नहीं रहते हैं टाइम स्पेंड करने में। एंड देखिए फ्रेंड्स, तनवीर चचा का प्रोफेशन भी एम्पायरिंग है और तनवीर चचा यहाँ भी एम्पायरिंग कर रहे हैं। जाता है क्या? तो गर्मा गर्म बिरयानी आ गई है और अब सब लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। यहाँ पे मनीहा और मनाल की बदमाशियाँ चल रही हैं। खांस दीजिए, कैसे खांसते हैं? खांस दीजिए जल्दी से, कायदे से खांस लो। अब फ्रेंड्स हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने, यहाँ हम लोग के लिए भी बिरयानी आ गई है और बस खाना खा के फिर आपसे मिलती हूँ। किसको देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बड़ा इमामबाड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है और रात के टाइम तो सच में बहुत प्यारा लगता है। यहाँ चले जाएं या घंटा घर, ये दोनों जगह इतनी अच्छी है ना कि मैं जब भी देखती हूँ मेरा मन करता है बस अंदर चले जाएं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा टाइम हो रहा है शाम का तो अभी तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखाऊँ ज़रूर, क्योंकि हमारी लखनऊ की पहचान जो है वो सबसे ज़्यादा एक तो बड़े इमामबाड़े से ही है और घंटा घर है, बड़ा इमामबाड़ा है, ये सब तो हमारी लखनऊ की पहचान है। और देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, जब देखो ना तो बन बन करता है कि देखते ही रहो देखते ही रहो, यहाँ से जाओ ना ऐसा मन करता है। और सच में मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन हम क्या करें कि शाम हो गई है नहीं जा सकते हैं अभी, वैसे ही थक के आए हैं सब लोग, अब कहाँ घूमेंगे। फ्रेंड्स आप लोग को पता है हम लोग का जो अकबरी गेट है, देखिए ये इसका रेनोवेशन हो रहा है और ये अब जल्दी खुलेगा, लेकिन अभी बंद है। नहीं अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी ये तो प्यारी लग रही है, सारे लग रहे हैं तभी तुम्हें करना है। खूबसूरत लग रही है तुम, फ्रेंड्स ये है ईद का डे 3 और मैं आई हूँ मेरी दोनों प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के यहाँ, और इन दोनों के बिना कहाँ मेरी ईद पूरी होनी थी। तो पहले हम लोग गए थे फरीन के यहाँ और उसके यहाँ पहले हम लोग ने नाश्ता पानी किया, इन्जॉय किया, फिर हम लोग गए फलक के यहाँ। मेरे यहाँ पहले ही आ चुकी थी दोनों लोग तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। कितने लोग वीडियो में प्यारे बन जाते हैं ना, जितने प्यारे होते भी नहीं उतने ज़्यादा प्यारे। और फ्रेंड्स अब हम लोग फलक के यहाँ आ गए हैं और तो फलक के यहाँ नाश्ता पानी करके फिर थोड़ा इन्जॉय करेंगे। और देखें अशर यहाँ पढ़ रहा है, भतीजा है फलक का। तो फ्रेंड्स पूरे रमज़ान हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं तो अब थोड़ा सा बाहर निकले हैं और बस गोलगप्पे खाएँगे, उसके बाद फिर घर चले जाएँगे। और देखिए फ्रेंड्स मौसम कितना अच्छा हो रहा था, जब फरीन के यहाँ से फलक के यहाँ जा रहे थे तो हम लोग पूरा भीग गए थे और अभी तो बारिश बंद हो गई थी तो गोलगप्पा खाने के लिए हम लोग बाहर आए थे और थोड़ा बहुत कुछ और लेके हम लोग बस घर जा रहे हैं फलक के वापस, वहाँ थोड़ा बहुत इंजॉय करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। और आप ना बस फ्रेंड्स इन लोग की बकवास से सुनिए, फ़ोन का कैमरा कितना मस्त है, मस्त गड्डी पट्टी इसको सुनो, गड्डी पट्टी गड्डी पट्टी कर रहे हाँ देखा है देखा हड्डी बड्डी
लगा के ब्राउन रेड आंटी नायबा पे चलो छोड़ो रहने ही दो पलक के डांस में यही वीडियो डाले सोच रहे हड्डी मेरा तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से मेरे ईद के जो 3 डेज़ हैं वो कंप्लीट हो गए और मैंने बहुत इन्जॉय किया। 3 दिन मैंने बहुत इन्जॉय किया, जितना हो सकता था उतना वीडियो भी शूट किया। अगर आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरे ब्लॉग को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।